नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। साल के आखिरी दिन सोने चांदी में फिर से जोरदार तेजी। एमसीएक्स पर सोना 39,000 और चांदी 47,000 के पार। 2019 में सोने ने दिया 25% का रिटर्न। कल की गिरावट के बाद आज क्रूड में दायरे में कारोबार, लेकिन साल 2019 में ब्रेंट ने दिया 24% का रिटर्न। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। ना वसूली से कॉपर पर दबाव, लेकिन एल्यूमिनियम और निकल में तेजी। साल के आखिरी दिन धनिया में करीब 4% की जोरदार तेजी, लेकिन जीरा और हल्दी पर दबाव। लगातार तेजी के बाद खाने के तेलों में मुनाफा वसूली। एनसीडीएक्स पर रिफाइंड सोया में करीब 8% की कमजोरी। पाम ऑयल भी टूटा। कमोडिटी कॉल और सबसे पहले इस वक्त का कमोडिटी बाजार का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर हमने देखा है कि 2019 के आखिरी कारोबारी दिन जोरदार तेजी सोने और चांदी में देखने को मिल रही है, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना 39,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी भी 47,000 के ऊपर है। 312 रुपए की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं और गोल्ड भी 0.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर पूरे साल की बात करें तो 25% से ज्यादा रिटर्न हमने सोने की ओर से आते हुए देखे। क्रूड को देख लेते हैं। कल की गिरावट के बाद आज क्रूड में एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। वापस अब 4400 के ऊपर क्रूड सस्टेन करता हुआ, लेकिन अगेन गोल्ड की ही तरह ब्रेंट ने भी, अगर आप देखेंगे साल 2019 की परफॉर्मेंस, तो 25% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। हालांकि अभी जो ब्रेंट का भाव है वो 67 डॉलर के ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन अब देख लेते हैं डॉलर रुपए इक्वेशन को। 71.35 रुपए पर रुपया अभी कारोबार कर रहा है फ्लैट, लेकिन बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव अभी रुपए का बना हुआ है, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास हम काफी समय से ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। बेस मेटल्स में हालांकि आज का जो ट्रेंड है वो काफी मिला जुला देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए तिलहन में कारोबार, ये जो तमाम एडिबल ऑयल सेगमेंट है यहाँ पर एक कांस्टेंट तेजी हमने देखी है, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली इनमें बनती हुई आई है। सोयाबीन थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है 0.1%, सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड में भी 1% की वीकनेस, पाम तेल भी 1/4% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्पाइसेस में आप देखिए जोरदार एक्शन बना हुआ है, स्पेशली धनिया, जहां पर हमने मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखा है। आप देखिए कोरिएंडर 250 रुपए ऊपर ऑलमोस्ट, यानी 3.5 से 4% की मजबूती। कार्डमम भी 3% की मजबूती। हालांकि जीरा और टर्मरिक के थोड़े से नुकसान में अभी कारोबार कर रहे हैं, तो ये रुझान बना हुआ है मसालों का। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। हमारे साथ इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मौजूद है, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतन त्रिवेदी है। शुरुआत हॉट पिक्स के साथ कर लेते हैं। बताइए जतन, आपके रिकमेंडेशन क्या रहेंगी? जिस तरह से बेसिंग रेंज बाउंड कारोबार चल रहा है कमोडिटी मार्केट्स में करंटली, और उसी के साथ में जो ट्रेंड कमोडिटीज जो है फिलहाल क्रूड की है, क्रूड की कमोडिटी हमें अभी भी ट्रेंडिंग थोड़ी लग रही है और ट्रेंड के साथ ही जाना चाहेंगे। बाय साइड की रिकमेंडेशन रहेगी, माइनर सी डिप मिलती है 4390 के आसपास के लेवल्स के आसपास, तो वहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी हमारी। स्टॉप लॉस रखना है 4360 का रखना है और जो टारगेट रखना है 4450 का रखना है। ये हमारी पहली पिक है। सेकेंड पिक जो बेस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर है, जहाँ पर बाकी सब बेस मेटल्स जो है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर प्राइसेस जो पिछले 1-2 दिनों में अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो लेवल जो काफी अच्छे लग रहे हैं हमें। करंट लेवल मौजूदा लेवल 137.50 एल्यूमिनियम जो है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, वो बाय की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस रखना है 136.50 का रखना है और जो टारगेट रखना है वो कहीं ना कहीं 139 के आसपास का रखना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई है जतन की ओर से। मनोज जी, आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? सर मेरी जो है दोनों खरीदारी की पिक रहेगी। यहाँ पर पहली चना जनवरी वायदा में 4450 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 4550 तक के लक्ष्य रखें और स्टॉप लॉस होगा 4400 का। दूसरी पिक होगी कपास, अप्रैल वायदा में यहाँ पे 1128 के स्तरों पर खरीदारी करें, 1145 तक के लक्ष्य रखें और 1118 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चना और कपास इन दोनों में स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ आपको रेकमेंड की गई है। लेकिन बात करेंगे गोल्ड की। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी मौजूद हैं, बाकी दोनों एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। और गोल्ड की अगर बात करें या फिर फॉर दैट मैटर सिल्वर की, तो दोनों की ओर से ही जो साल 2019 रहा रिटर्न के हिसाब से वो काफी जोरदार रहा, लेकिन अगला साल कैसा रहेगा सोने चांदी के रिटर्न के हिसाब से और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर फोकस करते हैं। और मनीषा जी, आप तो हर रोज गोल्ड स्पॉट करते भी हैं, ज्वेलर्स से बातचीत करती हैं, एक्सपर्ट्स का भी व्यू लेती हैं, तो अभी अगले साल के लिए सोने चांदी को लेकर आउटलुक क्या बनकर आ रहा है,
क्या नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखेंगे और जो 25-26% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं साल 2019 में वो रिपीट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? दीपाली, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी उतना नहीं है, लेकिन सभी जानकारों का, चाहे वो ज्वेलर्स हैं, एनालिस्ट हैं, एजेंसीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के एक्सपर्ट्स हैं, सभी का मानना है कि यहां पर आपको सोने और चांदी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, स्पेशली सोने में, क्योंकि हमने यहां पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। और जो चिंताएं हैं, चाहे वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को लेकर है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, या फिर डॉलर में गिरावट है, इन सभी का फायदा यहां पर सोना लेता हुआ नजर आएगा। इस साल में अगर 24-25% की बढ़त आते हुए देखी है, अगर आप सभी का व्यू लें तो बाजार मान के ये चल रहा है कि अगले साल हम करीबन 8-15% की तेजी यहां पर सोने में फिर बरकरार बनता हुआ देखेंगे। लेकिन सोना सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, अगले 2-3 साल के लिए यहां पर आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो डॉलर टर्म्स में सोने ने 18% के गेन्स दिए, लेकिन इंडियन रुपीज में उसने 24-25% के गेन्स दिए, और काफी हद तक यही चीज हम अगले साल रिपीट होता हुआ देखेंगे। रुपए में डेप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन है, तो भारतीय बाजारों में आपको सोना यहां पर बेहतर रिटर्न्स देगा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शायद उतना देखने को ना मिले। और पिछले इस महीने में जिस तरह के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं, काफी हद तक ये ट्रेंड आगे रह सकता है। कुछ बहुत मुनाफा वसूली अगले साल में शायद देखने को मिल पाएगी, लेकिन वो खरीदारी के अच्छे मौके होंगे। जतन, आपका व्यू क्या है? पहले तो गोल्ड पर ही राय दीजिए, एक तो इमीडिएट स्ट्रेटेजी बताइए कि अभी क्या होनी चाहिए अगले कुछ दिनों के हिसाब से, और अगले साल के लिए आपका व्यू क्या है? दीपाली, इमीडिएट बेसिस पे अगर 1-2 दिनों की बात कर लें, जो हॉलीडे सीजन चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाएंगे तो जो ट्रेंड है फिलहाल फिर भी अपसाइड में है। ये कह सकते हैं कि हेज पोजीशंस बन रही है, ईयर एंड है, तो कहीं ना कहीं इक्विटीज के सामने हेज पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं ड्यू टू द रिस्क ऑफ यूएस चाइना ट्रेड डील, फेज वन डील जो कभी ना कभी अनाउंस होगी, उसके बाद फेज टू का जो यूफोरिया है वो चालू हो जाएगा, तो उसके कारण बाय साइड अभी भी चालू है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। जो लेवल जो मार्किंग हमारी है गोल्ड के अंदर स्पेशली, वो है 39,200 39,250 का जोन जो है, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बना हुआ है हमारे लिए, जो एक रेजिस्टेंस बैरियर है जो अभी फिलहाल 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हाई लेवल्स पे बाय करने की सलाह नहीं रहेगी हमारी। 39,000 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 38,900। ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है, एक तो 1-2 दिनों के जैसे आपने कहा, और आने वाले साल के लिए अगर हम बात कर लें तो ये 2019 का जो साल रहा है वो कंटिन्यूसली हमने देखा है कि 18-25% के बीच में दोनों ही कमोडिटीज ने रिटर्न दी है, डोमेस्टिक मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों के अंदर। और उसी के साथ में जैसे मनीषा जी ने कहा कि रुपया जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, जो पिछले 2 सालों में हम रुपये की अगर हम बढ़त देख लें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। अराउंड अबाउट 2018 में 10% के आसपास वीकनेस के अंदर ट्रेड किया है रुपये ने, और प्लस अभी 2019 के अंदर भी 2.5% से 3% की वीकनेस जो है रजिस्टर कर चुका है। सो आने वाले साल में 2020 में कहीं ना कहीं रुपये जो है वो हमें लग रहा है कि 2-3% की और वीकनेस के साथ ट्रेड कर सकता है। सो उसी के साथ में विद रिस्पेक्ट टू रुपी एंड द ग्लोबल फैक्टर्स, हमें लग रहा है कि गोल्ड का मार्केट जो है कहीं ना कहीं बिटवीन 10-12% के आसपास का मिनिमम गेंस तो दे ही देगा। सो निवेशकों से यही सलाह रहेगी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बने रहना चाहिए लॉन्ग पोजिशन के अंदर। ठीक है, तो आउटलुक आपको बताया गया है गोल्ड पर, आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और करेंगे मंडी खबरों का। और साल के आखिरी दिन धनिये में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि धनिया के अलावा दूसरे मसालों पर दबाव है। एनसीडेक्स पर धनिये में करीब 4% की तेजी बनी हुई है, और धनिया समेत अगर आप दूसरे मसाले देखेंगे तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फलौदी ट्रेडर्स के महावीर गुप्ता बने हुए हैं, और साथ ही लालचंद गोपालचंद के महावीर मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता तो हमारे साथ बनी हुई हैं। और मनीषा जी, अगर मसालों का ट्रेंड देखें तो आज भले ही धनिया में जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप पूरे साल का ट्रेंड देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल ये सेगमेंट रहा है, यहां पर क्या व्यू बन रहा है आगे के लिए? जी हाँ दीपाली, बहुत बहुत बेहतर रिटर्न हमने यहाँ पर मसालों की तरफ से आते हुए नहीं देखे। जिस तरह से गेहूं या चने या खाने के तेलों में हमने स्ट्रांग रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, वैसा मसालों की तरफ देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बात आपकी सही है कि इस साल में उठापटक बहुत ज्यादा रही है, बहुत वॉलेटिलिटी हमने यहां पर बनते हुए देखी है। धनिये में जो अपर सर्किट के साथ आज काम होता हुआ नजर आया है वो इसलिए है क्योंकि बल्क बाइंग यहां पर आज देखने को मिली है,
पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली देखने को मिली है, इसलिए लगातार यहां पर बढ़त बनती रही है। इसके अलावा जो डेटा निकल के आया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बुआई का इलाका है वो यहां पर कम है, उसकी वजह से हमने प्राइसेस में सपोर्ट बनते हुए देखा है। स्पॉट प्राइसेस फर्म डिमांड की वजह से बढ़ते हुए लगे हैं और इसलिए हमने फ्यूचर्स में वो ट्रेंड यहां पर लगातार बनता हुआ देखा है। तो धनिया क्लियरली एक काफी आउट परफॉर्मर की तरह पिछले कुछ सेशंस में यहां पर कारोबार कर रहा है। बाकी मसालों की अगर बात करें तो जीरा में हमने कुछ बहुत प्रेशर बनते हुए देखा है, वो इसलिए क्योंकि बुआई का इलाका जो गुजरात में है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, उसका कुछ प्रेशर यहां पर मार्केट्स में है। और जहां तक हल्दी की बात है, हमने कुछ शॉर्ट कवरिंग यहां पर जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन हल्दी में भी काफी हद तक मांग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिलहाल। और इसके अलावा जो बुआई का इलाका है वो थोड़ा सा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है, वेदर यहां पर थोड़ा फेवरेबल है, उसका प्रेशर भी हमने प्राइसेस में बनता हुआ देखा है, इसलिए 1% की गिरावट आज है। और हल्दी में इस साल की अगर बात करें तो 11% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। मिस्टर महावीर गुप्ता, आप बताइए कोरोना पर आपका आउटलुक क्या है, आगे के लिए कैसा ट्रेंड रह सकता है डिमांड का, प्राइसेस का? कोरोना का मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई ट्रेंड आएगा, और 85 रुपए की हुई थी कि अगर सपोर्ट मिला तो इसको, और अभी फसल की स्थिति अब बुआई के अनुमान सभी आ चुके हैं, उस हिसाब से लग ही रहा है कि पॉजिटिवली अब ट्रेंड ही रहेगा धनिया में, क्योंकि स्टॉक हमारे पास बहुत कम है और बुआई के आंकड़े देखे जाए तो 50% के अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं। केवल गुजरात में जरूर पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी राजस्थान और एमपी दोनों कम है, तो इसका फ्यूचर मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। 1800 जैसे स्तर फिलहाल यहां पर कारोबार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी देर तक ये तेजी चलती रह सकती है, किन स्तरों तक हम जाएंगे, क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद हाई प्राइसेस पे मांग थोड़ी सी कम हो जाती है, तो क्या रेंज के साथ फिलहाल यहां पर इंडस्ट्री काम कर रही है? नहीं, अभी दुनिया में ऐसी कोई रेंज नहीं आई है जी। ये 125 तक जा चुका है, तो इसलिए ये रेंज मानना ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी मसालों वालों की डिमांड रहेगी और नया धनिया हमको अप्रैल से पहले मिलेगा नहीं, तो उसके लिए डिमांड अभी 4 महीने की बाकी है और वो पीक डिमांड टाइम होता है, तो इसलिए अभी कोई ऐसा सोचना कि डिमांड कम होगी या ऊंचे भाव में नहीं लेंगे ऐसा तो मुश्किल है। लेकिन मेन जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो बहुत कम है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको सपोर्ट अच्छे वालों को मिलेगा और बाजार बढ़ना ही चाहिए, घटने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कोई ऑपरेटर जान करके कुछ करे NCDX में या इस तरह से तो वो बात अलग है, लेकिन मैनिपुलेट करके बाकी वैसे जो फिजिकल कंडीशन है उस हिसाब से बाजार बढ़ना चाहिए। यानी कि अगले 4 महीने और यहां पर बढ़त बाकी रह सकती है, ऊपर के लेवल्स बाजार ने काफी स्ट्रांग देखे हैं, फिलहाल हम 70 के आसपास भी नहीं है, 125 तक के लेवल्स यहां पर धनिया में देखने को मिले हैं, तो फिलहाल बाजार के पास कोई रेंज नहीं है, लेकिन अगली फसल अप्रैल में आएगी तो अब तक के लिए अगले 4 महीने के लिए यहां पर तेजी आगे बरकरार रह सकती है। महावीर मोदी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आगे जाके अब मसालों में क्या व्यू नजर आता है, क्योंकि इस साल तो बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स नहीं मिले हैं, अब बाजार ने अब चढ़ना शुरू किया है, पिछले 2 महीने ऑफकोर्स यहां पर काफी उठापटक वाले रहे हैं, लेकिन अब जाके इन स्तरों में आपको हल्दी में किस तरह का रुझान लगता है? मैं फिर जो गेम प्लानर रहे हैं वो उसको तेज कर रहे हैं, लेकिन तेजी का मेरे हिसाब से इसमें कोई तेजी का सांस नहीं है। पुराना स्टॉक खूब बड़ा है और नई फसल भी कोई कम नहीं है, अच्छी फसल है। हाँ, तो बेमौसम जो बारिश हुई थी बाद में उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है जी, लेकिन उससे क्वालिटी डाउन होगी और क्वालिटी डाउन होती है तो मार्केट डाउन होता है, कभी तेज नहीं रहता जी। हाँ, मेरे हिसाब से बाजार में जो ये जो अभी जो पिछले 3-4 दिन से NCDX में जो तेजी बन रही है ये सिर्फ गेम प्लानिंग है। तो आपको क्या लगता है किस रेंज में यहाँ पर भाव रह सकते हैं? और ज्यादातर हम ये देखते हैं कि सर्दियों में, शादियों में, इस समय में जो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पीरियड है, कुछ एक्सपोर्ट डिमांड भी निकल के आती है, वो एज ऑफ नाउ किस तरह की मांग है, कुछ वहां से सपोर्ट आता हुआ नजर आता है कि आपको लगता है कि इन्हीं स्तरों के आसपास हम अगले 2-3 महीने भी कारोबार करेंगे? नहीं नहीं, मेरे को तेजी कोई अलग नहीं लगते है, ना ही कोई लंबी कोई डिमांड आने वाली लगती है, और अभी भी मार्केट में डिमांड नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ जो तेजी है ये सिर्फ बोर्ड की वजह से तेजी है। महावीर जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो दीपाली, क्लियरली जहां एक तरफ धनिया में अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है जो हमने इस साल में बनते हुए देखी भी है, 7% से बढ़त वहां पर देखने को मिली है, हल्दी और जीरा में जिस तरह के फंडामेंटल्स फिलहाल यहां पर निकल के नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव क्लोजिंग इस साल की भी है, आगे जाके भी यही लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर यहां पर बरकरार रह सकता है।
बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मनीषा जी आपका भी और साथ ही मिस्टर मोदी मिस्टर गुप्ता बातचीत करने के लिए और अपना आउटलुक मसालों पर देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्विकली एक आउटलुक राइस पर ले लेते हैं, क्योंकि जुलाई से लेकर अब तक जो धान की कीमत है उसमें करीब 27% ज्यादा की गिरावट आई है और अच्छा मानसून की वजह से अच्छी फसल होने से कीमतों पर दबाव दिख रहा है। रबी धान की बुआई में भी तेजी देखने को मिली है, इसी पर एक आउटलुक मनोज जी का ले लेते हैं। मनोज जी आपका क्या व्यू है पैडी पर? यहाँ पे थोड़ी सी जो है निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से अगर आईसीएक्स पेडी फरवरी वायदा की बात करें तो यहाँ पे 3270 से 3285 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है, तो निचले स्तरों पर 3285 के स्तरों पर एक बार खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं। 3310 तक का लक्ष्य रखें और एक स्टॉप लॉस होगा 3270। ठीक है, 3270 का स्टॉप लॉस आउटलुक आपको मिला है पैडी पर। छोटे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपके सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कमोडिटी कॉल। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल भी हमें लगातार मिल रहे हैं। जामनगर से अजय ने एक सवाल भेजा है, ट्रेडर है ये और इन्होंने गोल्ड के 10 लॉट बाय किए हुए हैं, जो भाव इनका है वो है 38,680 का, तो ये इनकी पोजीशन है। जतिन बताइए क्या करना चाहिए इनको, 38,608 पर 10 लॉट बाय किए हुए हैं। पहली बात तो शुक्रिया उनको कांग्रेचुलेट करूंगा कि अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। एक ट्रेल स्टॉप लॉस बना के रखना है 39,000 के नीचे का, बिकॉज जो गेन्स है वो कहीं ना कहीं सब्ड्यूड ना हो जाए, इसीलिए एक ट्रेल स्टॉप लॉस प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। और अपसाइड में जो पोटेंशियल है वो 39,400 टू 39,500 का रखता है गोल्ड, सो वहां तक अगर प्राइसेस मिल जाते हैं तो वहां पर बुकिंग कर लेनी चाहिए प्रॉफिट जो है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है 39,400-39,500 के लेवल्स मिले वहां पर मुनाफा लें आप। दीपक ने सवाल भेजा है बिहार से व्हाट्सएप पर, कॉटन के 5 लॉट इन्होंने बाय किए हुए हैं 148 के प्राइस पर। पूछ लेते हैं मनोज जी का आउटलुक। मनोज जी बताइए कॉटन पर क्या व्यू है आपका, क्या करना चाहिए इनको? कॉटन में जनवरी वायदा में हमने 19,500-19,600 के रेंज के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा है। निचले स्तरों पर यहाँ पे 19,200-19,300 एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में फर्स्ट फेज का ट्रेड डील अगर साइन होता है तो फिर कॉटन में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 19,200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, 19,600-700 तक के स्तर अगर देखने को मिले तो वहां पे एक बार पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। मनु है आगरा से फोन लाइन पर, मनु नमस्कार बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने 5 लॉट सेल करे हुए सिल्वर के 43,671 के, क्या करना चाहिए अभी? और अब तो आपको काफी नुकसान हो रहा होगा क्योंकि काफी 47,000 के आसपास अब सिल्वर आ चुका है। जतिन बताइए 5 लॉट सेल किए वो भी 43,000 के भाव पर। एवरेजिंग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, तो एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है ये लेवल्स पर। अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो 48,000 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 47,700 से लेके 48,000 के आसपास की रेजिस्टेंस जोन है, तो 48,000 के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी 4-5,000 की जो लॉस जो ऑलरेडी बेयर कर चुके हैं वो, तो यहाँ पर 500-600 पॉइंट और अगर जो बढ़ता है वहां पर एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 48,100। 47,700-600 के रेंज में सेलिंग करनी है और नीचे में अगर 46,500 के आसपास के लेवल्स मिल जाएंगे वापस से, एक बार ऊपर जाने के बाद करेक्शन आएगी तब एग्जिट कर लेना है पोजीशन से, बिकॉज ओवरऑल कमोडिटी जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको बताई गई उस हिसाब से आप कीजिए। रोहित वडोदरा से फोन लाइन पर है हमारे साथ, रोहित नमस्कार पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैंने 752 रुपए से सिटी बाय किया हुआ है, तो अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल करें इसका? मनोज जी बताइए, ट्रेडर हैं, 10 लॉट इन्होंने बाय किए हुए सीपीओ के 752 के प्राइस पर। बिल्कुल, एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वर्तमान स्तरों पर, क्योंकि एक अच्छी बढ़त के बाद एक यहाँ करेक्शन की गुंजाइश है। तो वर्तमान में जो जनवरी वायदा है लगभग 802-803 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट इनको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, तो एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। नीचे में फिर फ्रेश बाइंग कहीं भी करेक्शन आता है टुवर्ड्स 780 तो वहां फिर से खरीदारी की रणनीति रखे, लेकिन वर्तमान स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए।
प्रॉफिट्स ले लीजिए इन लेवल्स पर, ये सजेशन है आपके लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, दोनों जानकर हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी और मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पहला सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है जयपुर से, सुमित का सवाल है इनका क्रूड ऑयल पर, इन्होंने 5 लॉट सेल किए हुए हैं 4410 के लेवल्स पर, इन लेवल्स के आसपास अभी क्रूड कर रहा है कारोबार, बताइए जतिन क्या करना है इनको? सेल साइड से मैं एडवाइस करूंगा कि निकल जाना चाहिए, बाइंग साइड में आना चाहिए। इनफैक्ट इनको जो स्टॉप लॉस बिठाया ना, जैसे हमने कॉल्स दी थी अभी सुबह, एक कॉल दी है 4360 के नीचे स्टॉप लॉस बिठाकर, बाय साइड की रिकमेंडेशन है हमारी, अपसाइड जो पोटेंशियल है 4450 टू 4460 का रखता है। सो सेल साइड की रिकमेंडेशन अभी नहीं है, बाइंग साइड में आ जाना चाहिए। ठीक है सर, पोजीशन से एग्जिट कीजिए और पोजीशन बनाइए खरीदारी की तरफ। अर्पित हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है, अपन बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो पूछिए अर्पित सवाल अपना। हाँ मैम, मैंने 6 टन चना ले रखा फिजिकल में 4090 के भाव से, विशाल चना, तो मैम मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसको रखूं या अच्छा बेच दूं। ठीक है पूछ लेते हैं, बताइए मनोज जी क्या सजेशन होगा? चना इन्होंने लिया हुआ है फिजिकल फॉर्म में, 4090 का प्राइस है, और अब इनको स्ट्रेटेजी आप सुझाइए कि क्या इनको करना। आपने इनफैक्ट मेरे ख्याल से कॉल भी दी है चने पर बाय साइड पर, तो इनके लिए क्या सजेशन होगा? बिल्कुल, ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव दिखता है और अगले जो 2 से 3 महीने वो अच्छी एक डिमांड के जो है महीने रहेंगे, तो उस लिहाज से यहाँ पे एक बढ़त जो है चना की कीमतों में देखने को मिल सकती है। 4400 के स्टॉप लॉस से NCDX के भाव को ध्यान में रखते हुए एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और होल्ड करें पोजीशन को। यहाँ पे 100 से 150 रुपए की एक मजबूती जो है कीमतों में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ से 100 से 150 रुपए की तेजी मिले तो वहां एक बार पोजीशन को एग्जिट करने की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको बताएगी उसके हिसाब से कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भारत का सवाल आया है गुजरात से, जिंक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं खरीदारी की तरफ, बताइए क्या सजेशन होगा आपका जतन? जिंक में अगर खरीदारी की तरफ की पोजीशन बनानी है डेफिनेटली बना सकते हैं, 179-179.50 जो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है, तो वहां पर बाइंग साइड की सलाह दूंगा मैं। जो स्टॉप लॉस रखना है 178 का रखना है और जो अपसाइड पोटेंशियल है वो लिमिटेड है, अराउंड 181-182, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग अपसाइड में नहीं है, कमोडिटी साइडवेज काउंटर में है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 178 का और अपसाइड पोटेंशियल 181-182। 181-182 ये पोटेंशियल है ऊपर जाने का, पोजीशन बनाए तो स्टॉप लॉस के साथ बने, स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है। एक और सवाल आया है मैसेज के जरिए, मजदूर शाह ने सवाल भेजा है सोयाबीन पर, किसान है ये और 40 बोरी सोयाबीन इनके पास है, एक अच्छे रनअप के बाद थोड़े दबाव में आज सोयाबीन जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मनोज जी इनके लिए क्या सजेशन होगा? ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर किसान है तो यहाँ पे आधी पोजीशन वर्तमान स्तरों पर भी एक बार निकाल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन 4550 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और वहीं से एक बार हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, तो अच्छी बढ़त कीमतों में आई है, आधी पोजीशन को यहाँ पे निकालें और आधी पोजीशन को होल्ड रखें। 1 से 2 महीने में कीमतें फिर से एक बार यहाँ पे मजबूती दिखाएगी, 4700 तक के स्तर मिले तो वहां पर पूरी पोजीशन से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है चलिए, स्ट्रैटेजी आपको बताएगी उसी के हिसाब से रणनीति बना सकते हैं, और इसी के साथ सवाल भी फिलहाल इतने शामिल करेंगे। शुक्रिया मनोज जी और जतन आप दोनों का सभी कॉलेज क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं मार्केट स्टूडियो। नमस्कार।